हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ रिव्यू दिया था कुछ सेटअप के बारे में, इंसर्ट अपडेट डिलीट के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिज़ाइन रेडी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे को पूरा काम करना है। हम काम भी करेंगे, उसके साथ साथ आपको बताते भी रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल जाते हैं, न्यू पे PHP क्रिएट करते हैं, PHP की फाइल, और उसको हम पहले सेव कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से बड़े ज़िम्मा हो जाएं। तो हम STDOC के फोल्डर में एक फोल्डर और क्रिएट कर लेते हैं, और उसका हम नाम दे देते हैं कंपनी। कंपनी के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया, और उसके अंदर हमने इंडेक्स की फाइल index.php हमने ये मेंशन कर दिया। हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं कंपनी रिकॉर्ड के नाम से। कंपनी रिकॉर्ड के नाम से हमने ये हमने टाइटल बना दिया। अब इसको हम थोड़ा सा ओपन भी कर लेते हैं ताकि हम चेक करते हैं कि क्या क्या इसमें रद्दोमल, क्या क्या तब्दीली आई है। तो लोकल होस्ट हमने फोल्डर का नाम रखा है कंपनी, कंपनी फोल्डर के नाम में थोड़ी सी चेंजिंग हुई। अब आ गया मतलब कंपनी रिकॉर्ड। तो अब यहाँ पर हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे, या तो हम सबसे पहले हम एक टेबल बना देते हैं, और टेबल के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म के अंदर हम एक्शन दे देते हैं, कुछ भी नहीं, हम मेथड दे देते हैं पोस्ट, और उसके बाद हम एक TR लेते हैं। बिल्कुल, हम एक TR ले लेते हैं, और उसके बाद हम एक TD ले लेते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं, हमने जो जो चीज़ें हमने यहाँ दी हैं वही हुई हम चीज़ें यहाँ देंगे। तो एम्प्लॉय का नेम है हमारे पास, तो एम्प्लॉय EMP नेम खाली दे देता हूँ, आप समझ जाएगा कि आप ये एम्प्लॉय का नाम है। दूसरा है एम्प्लॉय फोन, तो सबसे पहले इसका एक टेक्स्ट बॉक्स देना पड़ेगा, वो भी हमें TD के अंदर देना पड़ेगा। इनपुट टाइप टैक्स, इसका नाम दे देते हैं TXT, या EM नेम दे देते हैं हम इसको, एम्प्लॉय नेम। अब यही चीज़ हम यहाँ से कॉपी करेंगे, उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और इसका नाम दे देते हैं एम्प्लॉय फोन। तीसरा है एम्प्लॉय एड्रेस, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, वो यहाँ पर लिख देंगे एम्प्लॉय एड्रेस, इसको कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर एम्प्लॉय NIC, फिर हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर हमारे पास आएगा एम्प्लॉय एज। एम्प्लॉय एज और लास्ट में है हमारे पास एम्प्लॉय जेंडर। अच्छा जी, ये हमने नाम फर्स्ट वाले का चेंज किया था, दूसरे वालों का नाम भी चेंज करना है हमें, तो इसका हम EM फोन कर देते हैं। ये हमारे पास EM फोन हो गया, और ये हमारे पास EM ऐड हो गया, ADD एड्रेस, और ये हमारे पास NIC हो गया, EM NIC। ये हो गया हमारे पास EMP एज, और ये हमारे पास लास्ट हो गया जेंडर। तरतीब वाइज काम करना है हमारे को, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, काम आसानी से काम करेंगे, तरीक़ेकार से काम करेंगे तो समझने में आसानी होगी। ये हमारे पास डिज़ाइन इतना तक रेडी हो गया। अब हमें लास्ट में देना है एक बटन, बटन देना है, तो हमें ये TD में जो एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं सबमिट, और यहाँ इस बटन का नाम दे देते हैं हम BTN सबमिट, या BTN दे देते हैं खाली, और उसकी वैल्यू जो है हम इंसर्ट दे देते हैं। हम इसका डिज़ाइन चेक करते हैं कि हमारे पास क्या शोर है। हमारे पास ये डिज़ाइन हमारे पास रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो हम इसको फील्ड सेट में दे देते हैं हम, और इसको लेजेंड दे देते हैं के डेटा इंसर्ट एरिया। इसको हम फॉर्म के
एंड में वी नीड टेबल के बाद हम इसको क्लोज करेंगे फील्ड सेट को। अब हमारे पास कुछ इस तरह सारे डेटा इंसर्ट हमारे पास हेडिंग भी आ गई है। इसको अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फील्ड सेट में हम स्टाइल का टैग ओपन करेंगे और इसकी विड्थ जो है हम 500 कर देते हैं। 500 हो गई, थोड़ी सी और कम कर लेते हैं हम, 400 रख लेते हैं, या 400 कर लेते हैं, ठीक है बेटर है। और इसको हम मार्जिन दे देते हैं ऑटो, ताकि हमारे पास सेंटर में आ जाए। यहाँ तक का काम हमारे पास रेडी हो गया है। अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, ताकि हम इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करें तो वहाँ पर टेबल्स वगैरह में डेटा इंसर्ट हो। तो दूसरा काम ये है, तो यहाँ पर हम लोकल होस्ट PHP my admin में हम डेटाबेस बनाएंगे, और डेटाबेस के साथ उसके अंदर जो टेबल्स वगैरह होंगे हम वो क्रिएट करेंगे। तो हम डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे डेटाबेस, और डेटाबेस का हम नाम दे देते हैं कंपनी डीबी। ये हमने डेटाबेस बनाया कंपनी डीबी के नाम से। और इसके अंदर हम फील्ड्स कितने देंगे, हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 7, क्योंकि एक आईडी भी होगी हमारे पास 6 7। तो और हम टेबल का नाम क्या देंगे, हम tbcom, मतलब कंपनी शॉर्ट फॉर्म पे tbcom। गो पे क्लिक कर देते हैं, हमारे पास टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आईडी दे देता हूँ, उसके बाद वहाँ पर EMP एम्प्लॉय नेम था, उसके बाद EMP एम्प्लॉय फोन थे, फिर उसके बाद EMP एड्रेस, फिर उसके बाद है हमारे पास EMP NIC, फिर उसके बाद है EMP एज, और लास्ट में है हमारे पास जेंडर, EMP जेंडर। इसको सेट कर लेते हैं, हम वारचार में दे देते हैं इसको भी, हम वारचार में दे देते हैं, वारचार में दे देते हैं हम इसको भी। और लास्ट वाले को भी हम वारचार दे देते हैं, इनकी वैल्यू दे देते हैं 100, सबकी 100 दे देते हैं, ताकि कोई इशू ना आए। हमारे पास सबकी 100 हो गई वैल्यू। अच्छा, जो फास्ट जो हमारे पास जो वैल्यू है आईडी, उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे, कि हम जो भी डेटा इंसर्ट करेंगे वो आईडी वाइज ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, ऑटो इंक्रीमेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर ग्रो कर देंगे, तो हमारे पास ये आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब हम यहाँ पर सेव करेंगे तो हमारे पास टेबल जो है डेटा बेस भी बन गया, वहाँ पास टेबल भी क्रिएट हो गया। स्ट्रक्चर पर आएंगे तो हमारे पास ये टेबल बन चुका है। अब हमें दूसरा काम ये करना है कि हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो डेटा को इंसर्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने डिज़ाइन रेडी करा कि किस तरह से डेटा को इंसर्ट करेंगे। डेटाबेस बना लिया हमने, टेबल्स बना लिए, फील्ड्स बना लिए हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।